हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ सेकंड 11 वर्सेस एसपी 211 के बीच में होने वाला मैच के बारे में। ये 14 T20 मैच है दोस्तों। यहाँ पर लीग की बात करें, क्रिकेट एसोसिएशन T20 2022 का लीग है। डेट एंड टाइम की बात करें दोस्तों, 2:30 बजे मैच खेला जाएंगे। पिच बॉलिंग के लिए फेवरेबल है, एवरेज स्कोर 130 से 150 रन तक बन सकता है। वेन्यू की बात करें दोस्तों, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पाकिस्तान में खेला जाएगा। अगर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें दोस्तों, नॉर्थ एंड सेकंड 11 दो मैच खेले, दोनों मैच जीत गए। पंजाब दो मैच खेले, दोनों मैच हार गए दोस्तों। यहाँ पर अगर पॉइंट्स टेबल पे नजर रखा जाए तो नॉर्थ एंड सेकंड 11 ने दो में से दोनों मैच जीत गए। पहला पोजीशन पे सतरंग पंजाब, दोनों के दोनों मैच हार के सिक्स्थ पोजीशन पे। तो दोस्तों, ये जो मैच होगा फर्स्ट पोजीशन वर्सेस सिक्स्थ पोजीशन के बीच में खेला जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर दोनों टीम के प्लेयर्स के स्टैट्स दूंगा दोस्तों। यहाँ पर नॉर्थ एंड सेकंड 11 के लिए आपको विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स पे किसको पिक करना चाहिए पूरे डिवाइड करके बताऊंगा, बेंच प्लेयर भी बताऊंगा। सतरंग पंजाब के लिए आपको यहाँ पर विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स में किसको पिक करना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया दोस्तों। एक बार जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, वहीं पर आपको फाइनल टीम फर्दर अपडेट दिया जाएंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपको फाइनल टीम सब कुछ मिलेंगे। तो दोस्तों, आज जो कबड्डी मैच हुआ था, हम लोग अभी कबड्डी क्रिकेट दोनों कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 100 में से सेकेंड रैंक आया दोस्तों। यहाँ पर अगर आप मेरी टीम के साथ अगर हेड टू हेड 3 स्पॉट्स खेलते हो तो दोस्तों, यहाँ पर 100 में सेकंड रैंक आया, मतलब अगर आप हेड टू हेड 3 स्पॉट्स खेलते हो तो आराम से जीत सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप हेड टू हेड 3 स्पॉट्स आप मेरे टीम के साथ खेलते हो तो आपके सारे लॉसेस, जो भी अभी तक कितने भी फैंटेसी में लॉसेज हुए, सारे लॉसेज में कवर कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और लिंक में दिया दोस्तों, एक बार जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर बाय मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पर जाकर @शत्रुघ्न, मेरा चैनल का नाम है दोस्तों, 225 इस प्रकार सर्च करना दोस्तों। आपको यहाँ पर इस प्रकार अगर सर्च करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे मेरे चैनल यहाँ पर शो रहा है। 1200 प्लस यूजर्स ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन कुछ यूजर्स हैं मेरे नाम पे फेक चैनल बना रहे हैं। उससे आप दूर रहिएगा, उससे आप कितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। तो फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिलने वाले, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लेट नहीं करते, सारा इन्फॉर्मेशन आपको पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हम लोग प्लेयर्स के स्टैट्स जान लेते हैं। नॉर्थ एंड सेकंड 11 की बात करें, यहाँ पर विकेट कीपिंग पे जो पहला प्लेयर है उमर मकसूद है, लास्ट मैच में 43 रन बनाए। तो कुल मिला के सीजन में दो मैच में 51 रन है दोस्तों। यहाँ पर तैमूर खान भी लास्ट मैच अच्छे 54 रन बनाए और दो मैच में 56 रन हुआ। तो यहाँ पर विकेट कीपिंग में दोस्तों, यहाँ पर दोनों विकेट कीपर आपको बेस्ट ऑप्शन रहने वाले। अब यहाँ पर बैट्समैन में तैमूर सुल्तान है दोस्तों। यहाँ पर लास्ट मैच में अगर बात करें 26 रन बनाए, दो मैच में 67 रन है। और मोहम्मद इरफान की बात करें, लास्ट मैच में 3 रन, दो मैच में 29 रन बनाए। और यहाँ पर हसन राजा एक मैच खेले, एक मैच नहीं खेले दोस्तों, लास्ट मैच में 6 रन, कोई विकेट नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों में से बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको तैमूर सुल्तान को पिक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर आते हैं। ऑलराउंडर्स पे दोस्तों, अतीब खान है, लास्ट मैच नहीं खेले लेकिन पहला मैच में 67 रन बनाए, अगर ये खेलेंगे तो जरूर लीजिएगा। उमर खान यहाँ पर लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर अगर सीजन में बात करें दो मैच में 2 रन, 0 विकेट है। कसिफ अली ने लास्ट मैच में 1 विकेट लिया, दो मैच में 3 विकेट इनके पास है दोस्तों यहाँ पर। तो अगर ऑलराउंडर्स की बात करें, यहाँ पर आपको मैं अतीब खान अगर खेलते तो अच्छा पिक है, लेकिन यहाँ पर कसिफ अली को आप जरूर कन्फर्म कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर गेंदबाजी में आते हैं मोहम्मद मूसा। मोहम्मद मूसा लास्ट मैच में 2 विकेट लिए, पहला मैच में 3 विकेट, तो दो मैच में 4 रन, 5 विकेट, एक बेस्ट पिक रहेंगे दोस्तों, इनको जरूर टीम में लीजिएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों सदाब मजीद, अगर इनकी बात करें दो मैच में कोई विकेट नहीं मिला। आकिब लियाकत की बात करें, लास्ट मैच में 2 विकेट लिए दोस्तों यहाँ पर, तो दो मैच एक इनिंग में 2 विकेट इनके पास है। फरहान सफीक यहाँ पर लास्ट मैच नहीं खेले दोस्तों, पहला मैच में इनको 2 विकेट मिला। तो यहाँ पर अगर गेंदबाजी में बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको मोहम्मद मूसा एक अच्छा पिक होंगे दोस्तों, यहाँ पर इनको जरूर लीजिएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आकिब लियाकत को आप अपने टीम में ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों आते हैं तैमूर खान। तैमूर खान अभी तक तो नहीं खेले दोस्तों, यहाँ पर एक मैच 6 रन, 0 विकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर एक टीम की स्टैट्स जानने के बाद इसी प्रकार हम लोग जानेंगे अभी यहाँ पर सतरंग पंजाब सेकंड 11 के। तो विकेट कीपर में आपको उमर सिद्दीकी है, अगर इनकी बात करें लास्ट दो मैच से नहीं खेल रहे, पहला मैच में 31 रन बनाए। तो वकर हुसैन की बात करें, 23-10-9 रन, 3 मैच में 42 रन बनाए। तो दोस्तों नॉर्थ एंड सेकंड 11 की जो प्लेइंग है दोस्तों, यहाँ पर वहीं के विकेट कीपर आप लीजिए, इन दोनों विकेट कीपर को आप अवॉइड कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर बैट्समैन में आते हैं दोस्तों, हुमायूं अतलब, अगर इनकी बात करें लास्ट मैच में 3 रन बनाए, 3 मैच में 2 इनिंग में। तो यहाँ पर हैश का मतलब है दोस्तों प्लेइंग 11 में, लेकिन बैटिंग बॉलिंग कुछ मौका नहीं मिला। तो 3 मैच 2 इनिंग में 4 रन है, कैंसिल कीजिएगा। अली इमरान लास्ट दो मैचेस नहीं खेले, पहला मैच में 8 रन बनाए, तो इनको भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। यूसुफ बाबर लास्ट मैच नहीं खेले। और मोहम्मद सुदाइस की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच ये भी नहीं खेले, दो मैच में 11 रन इनके पास है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं मोहम्मद शहजादे, अगर इनकी बात करें 5 रन बनाए, दो मैच में 60 रन, 3 विकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर इनको आप कन्फर्म कर सकते हो। और मोइनुद्दीन लास्ट ही मैच खेले दोस्तों, 10 रन बनाए। तो यहाँ पर अगर बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर एक ही बैट्समैन को मैं यहाँ पर कन्फर्म करूँगा, मोहम्मद शहजादे को। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर्स की बात करें, अली उस्मान है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट मैच में 7 रन, कोई विकेट नहीं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 3 मैच में 0 रन, 3 विकेट है। तो दोस्तों इस प्लेयर को
मैं अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद कलीमुल्ला को भी अवॉइड करूंगा दोस्तों। लास्ट मैच में 2 रन 0 विकेट है, 3 मैच में 0 रन और सॉरी दोस्तों यहाँ पर 3 मैच में 2 रन 0 विकेट इनके पास है, तो अवॉइड कर दीजिएगा। उसके बाद मोहम्मद जुनैद जूनियर की बात करें, लास्ट मैच में 18 रन 0 विकेट है, 3 मैच में 22 रन 0 विकेट है। उसके बाद अराफत मिन्हाज की बात करें, 2 रन 11 रन बनाए दोस्तों यहाँ पर, तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 2 मैच में 13 रन हुआ। तो दोस्तों अगर ऑलराउंडर्स की बात करें, इस टीम से मैं किसी भी प्लेयर को नहीं लेना चाहता, अगर लेना है तो दोस्तों अली उस्मान के प्लेयर को लीजिए, बाकी यहाँ पर हम लोग नहीं ले सकते। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में बात करें ताहिर हुसैन है दोस्तों, 1 विकेट नॉट प्ले, अवॉइड कीजिएगा। राहत अली तो अभी तक नहीं खेले दोस्तों, 77 मैच 16 रन 84 विकेट इनके पास है। उसके बाद मोहम्मद जहांगीर की बात करें, 1 मैच में 0 रन 0 विकेट है। तो यहाँ पर गेंदबाजी में तो कोई खास तो नहीं है, लेकिन राहत अली यहाँ पर तो स्टैट्स अच्छा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर इनको हम लोग पिक कर सकते हैं और ये प्लेइंग 11 में जरूर रहेगा अभी दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों टीम के स्टैट्स सब कुछ देखने के बाद अब हम लोग फाइनल टीम बनाएंगे। तो फाइनल टीम में यहाँ पर देख सकते हो विकेट कीपिंग पर दोस्तों, यहाँ पर 2 विकेट कीपर को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, उमेर मकसूद है दोस्तों, ती खान है। तो यहाँ पर इन दोनों को आप अपने टीम में ले लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, नौतन दोनों विकेट कीपर अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन में बात करें, तैमूर सुल्तान, मोहम्मद शहजादे, और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो उसके बाद किसी भी प्लेयर का खास स्टैट तो नहीं है, तो यहाँ पर हिच राजा को पिक कर लीजिएगा। और यहाँ पर ऑलराउंडर्स पे दोस्तों आते हैं, यहाँ पर ये उस्मान है, उसके साथ साथ दोस्तों के अली, इन दोनों को आप अपनी टीम में ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में दोस्तों आपको एम खान को पिक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एम खान के बाद यहाँ पर अगर कोई भी प्लेयर इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, लियाकत है, लियाकत को आप अपनी टीम में ले सकते हो। उसके बाद टी हुसैन, नहीं तो राहत अली को ले लीजिएगा दोस्तों, एक अच्छा पिकिंग रहेंगे। और यहाँ पर ऑलराउंडर्स को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, नहीं तो बैट्समैन पर ले सकते हैं। तो बैट्समैन में दोस्तों यहाँ पर हुमायूं अतलफ यहाँ पर अच्छे बैटिंग करते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल उनका फॉर्म अच्छा नहीं, तो हुमायूं अतलफ को यहाँ पर मैं कन्फर्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिस्ट में, तो यहाँ पर आपको मैं कैप्टन के लिए बात करें दोस्तों यहाँ पर देख रहा हूँ किसको लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कैप्टन पे आपको एम खान एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, मोहम्मद मूसा खान, क्योंकि तीन मैच में यहाँ पर 5 विकेट ले चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर लास्ट 2 मैच में 5 विकेट लिए, तो एक इंपॉर्टेंट पिक है। उसके बाद यहाँ पर ये उस्मान, ये दोनों प्लेयर्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन पे रिपीट कीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा दोस्तों टीम, 2 विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और इसके साथ साथ 3 बॉलर्स है दोस्तों। तो ये जो टीम है पहले, इस टीम को आप सेव करके रख लीजिएगा। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका दोस्तों, एक बार जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, आपको वहीं पर फाइनल टीम फर्दर अपडेट दिया जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों, सब कुछ अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम पे देते ही रहूंगा। और एक और बात है दोस्तों, कबड्डी का भी अच्छा विनिंग जा रहा है, उसके लिए भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको हमेशा विनिंग में रखूंगा दोस्तों। आप हेड टू हेड 3 स्पॉट्स आप मेरे टीम के साथ खेलते हो, सारा लॉसेस मैं कवर कर दूंगा, ये मेरा वादा है दोस्तों यहाँ पर। इसी के साथ साथ मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।